आज के फैशन पर ये चैलेंज है, 6 + 4 इज इक्वल टू 4, ये गलत लिखा हुआ है। एक डंडी छेड़नी है इसमें से, कोई डंडी भी कहीं भी लगाओ, इस क्वेश्चन को दुरुस्त करना है। अगर तो आपने दुरुस्त कर लिया तो आपको मौका पर दिया गया जाएगा 5,000। अच्छा, ठीक हो गया। अगर नहीं कर पाए तो आपको देना पड़ेगा 1,000। ठीक है, और खेलना कैसे है, खेलने के लिए क्या जमा कराना पड़ेगा? 1,000 रुपया जमा कराना, 1,000 और ये 5,000, जो भी जीतेगा 5,000। 5,000। चलो ये तो 1 मिनट की गेम है, चलो 1,000 रुपये रखो करके दिखाता हूँ, ये ले 1,000 रुपये मेरी तरफ से एडवांस। अच्छा, ऐसे देख लें, सोच लें, एक ही डंडी छेड़नी है, ठीक है, और इस सवाल को हल कर, जवाब दुरुस्त है, तसल्ली से इसको इस सवाल को हल करना है। जी सही है, लेकिन सही में चार चार होता नहीं यार, ये इक्वेशन कैसे बनेगी? ये आपने दुरुस्त करना है। अच्छा, इतना 1,000 रुपये भी दे बैठा, लाजमी है, मैंने भी तो 5,000 आपको दे दिए। अच्छा, 6 + 4 इज इक्वल टू 4 तो नहीं होता, तो कैसे हो गई है ये आपने सोचना है। एक ही बारी है, एक ही डंडी छेड़नी है इसमें, कोई भी डंडी कहीं से उठा के कहीं लगा हुई है, इज इक्वल टू बराबर आना चाहिए इसके मुताबिक। अच्छा, जवाब दुरुस्त करो इसका, बारी भी एक ही है, बस एक ही बारी है, एक ही डंडी, एक ही बारी, एक ही डंडी, एक ही डंडी छेड़नी है यार। ये वो बारियां बढ़ा दे तो शायद काम चल जाता है। अच्छा चलो, मैं इसको सेट करता हूँ, 6 + 4 इज इक्वल टू, ये कैसे करेंगे अगर हम इसको ऐसे करते हैं, तो ये 6 + 4 माइनस, हाँ ये कैसे होता है, कैसे बनेगा इसका मतलब? आप हार गए, बस यही समझ लें, और हार का मतलब ये भी है कि आप भी नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। 6 + 4 = 4 कैसे हुआ? करता हूँ आपको, चले अच्छा आप करके दिखाओ। ये यहाँ से डंडे उठाएंगे, ठीक है, ये लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, 8 - 4 इज इक्वल, सही है, सही है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, मैं हार गया, अब कल हार गया।